का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। मेरा नाम मणियासुर है। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ। क्यों इस पोस्टर को देखकर हो गई पूरी सोशल मीडिया दीवानी? इस नए कोलैबोरेशन से होगा प्रॉफिट या बढ़ेगी फिल्म बच्चन पांडे की मुश्किलें? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। बच्चन पांडे अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म है जिसमें फिर एक बार वो अपने पॉपुलर और हमेशा प्रॉफिटेबल साबित हुए एक्शन कॉमेडी अवतार में घुसने वाले हैं। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और कृति सैनन भी उनका साथ देती नजर आएंगी। इसके अलावा दोस्तों अरशद वारसी, अभिमन्यु सिंह, पंकज त्रिपाठी जैसे सितारे भी फिल्म में चार चांद लगाने को तैयार है। जाहिर है ये मल्टी स्टारर फिल्म मच अवेटेड है, लेकिन इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म पर ये एक सोशल मीडिया पोस्ट भारी पड़ती दिख रही है। कौन से पोस्ट? अब इस पोस्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अक्षय सितारों में से है जिनका कंपैरिजन औरों से नहीं बल्कि खुद उनकी ही फिल्मों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि वो पूरे साल ही पर्दे पर छाए रहते हैं। ऐसे में उनकी एक फिल्म की अनाउंसमेंट भले ही उनके और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर मानी जाती है, मगर किसी पर्टिकुलर फिल्म के मेकर्स या फिर फैंस के लिए खबर किसी तूफान की आहट से कम नहीं होती। और इस बार तो ये तूफान एक पोस्ट के कारण उठा है, या फिर कहें एक पोस्टर के कारण। दरअसल दोस्तों हाल ही में एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान को धूम 4 का हिस्सा बताया जा रहा है। मेन बात ये है कि लोगों ने अक्षय कुमार का नाम भी इस मच अवेटेड फिल्म से जोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें दोस्तों कि अक्षय सलमान की जोड़ी बॉलीवुड की सुपर लव जोड़ियों में से एक है। मुझसे शादी करोगी में दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों को दीवाना बना दिया था, और रियल लाइफ में भी दोनों की बॉन्डिंग काफी बढ़िया है, जिससे इनके सक्सेस रेट के साफ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ऐसे में अगर वाकई आदित्य धूम सीरीज में दो सुपरस्टार्स को कास्ट करते हैं तो कहानी और एक्टिंग वाइज का तो पता नहीं, लेकिन फैंडम के दम पर तो ये फिल्म यकीनन पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और ऐसे में इस फिल्म के स्टैंडर्ड को मैच कर पाना अक्षय की किसी भी और मूवी के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसी परेशानी से उनकी अपकमिंग बच्चन पांडे भी जूझ रही है। अब दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या वाकई ये अक्की सल्लू कोलैब हमें देखने को मिलेगा, या फिर सिर्फ फैंस की अधूरी मनोकामना रह जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई पता है ना क्या करना है। जी हाँ, जल्दी से जाके इसे लाइक और शेयर कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमारी आज के राइटर है उपासना पांडे।